दोस्तों, हमने परिंदों को यहाँ पे बांध दिया एक साइड पे, क्योंकि नीचे जो थे ना बच्चे तंग करते थे, तो ये खाना नहीं खा रहे थे। तो इस वक्त ये इस जगह ठीक है, लेकिन थोड़ी जगह है इनके लिए, ये जगह थोड़ी है इनके लिए। हम काफ़ी बड़ा वाला जो है केज बनाएंगे जिसमें ये आज़ाद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। कल हम जो बता रहे थे कि हमें एक दोस्त ने 3 परिंदे जो गिफ्ट करने थे, वो परिंदे पहुँच चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि उनमें से एक जो बच्चा था, परिंदा था, वो मर चुका है। देखिए, ये रात को ही मर गया था जब वो लेके आए थे, तो इसका बड़ा अफसोस हुआ था। लेकिन दो इसके जो बहन भाई भी लगा लें, ये जो परिंदे दूसरे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अभी उन्हें हमने थोड़ी सी फीड करवाई है, अभी फीड करवाना बाकी है। हमने उन्हें छोड़ दिया है इस वाले वसी पिंजरे में, वसी केज में, क्योंकि ये सेफ्टी रूम था, लेकिन हम इसे बनाने वाले हैं बर्ड्स के लिए एक केज, मास्टर कह देते हैं कि इसमें आज़ाद रहेंगे, क्योंकि इस तरफ से भी इसे रोशनी की जगह है, हवादार है, जाली है, और इधर भी जाली है, और ये वाली खिड़की को भी हम जाली बड़े वाले लगाने वाले हैं, तो इसमें ये सारे परिंदे सो रहेंगे। अभी ये मैं इसलिए उठा के फिर रहा हूँ, इसे हम दफना रहे हैं किसी जगह पे। साथ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये पकड़ो, इसे छोड़ के आओ, इधर ना रखो वहाँ पे एक साइड पे, वहाँ फिर दफनाते हैं उधर, ठीक है? हाँ, उधर रख दो, बस बस रख दो, इधर रख दो, इधर बस बस, ठीक है ठीक है। तो अभी हुदुद को जो भाई है वो फीड करवा रहे हैं, और कैटी को भी दूध पिलाया जा रहा है, और अभी परिंदों के लिए घर में जो जो मास्टर किया जाए उसी को तैयार करने वाले हैं। अंदर से उसकी लिपाई कर देंगे, क्योंकि अंदर वैसे ही बना हुआ है, अभी उसकी कोई प्लास्टर वगैरह कोई लिपाई नहीं की हुई। देखिए गाइस, ये है तो वसी, लेकिन इसकी लिपाई नहीं हुई, वो है काफ़ी सारा ये वाला केज, ये मतलब जगह परिंदों के लिए ना, जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह है। यहाँ पे सही रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, और ब्रीडिंग भी करेंगे, क्योंकि पिंजरे में थोड़े कैद थे। तो जो छोटे दो परिंदे दूसरे आए थे वो सामने फिर रहे हैं, वो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये देखिए हरकत कर रहे हैं। और दोनों पकड़ के इधर ले आओ, प्यार से पकड़ना, प्यार से ले आओ, इधर ले आओ, शाबाश शाबाश, चलो ये आ गया, ये आ गया, ये छोड़ो नीचे रख, इधर इधर रख दो, इधर रख दो, ठीक है, ये देखिए, ओ ओ ओ, ओ चलें उठाओ, चलो ये है गिफ्टेड परिंदा, हाँ ले आओ, इधर ले आओ, ले आओ, ये देखिए गाइस कितने प्यारे प्यारे दो परिंदे हमें गिफ्ट मिले हैं। 3 मिले थे लेकिन एक मर गया, अभी 2 हैं माशाल्लाह। ये देखो कितने खूबसूरत हैं, ये देखें कितने खूबसूरत, ये हैं हमारे जो परिंदे जो हमें गिफ्ट मिले थे, बड़े खूबसूरत हैं। अब आपकी ज़बान में से क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये अगर देखा जाए तो ऐसे लगते हैं जैसे मिनी शितर मुर्गो, मतलब लंबी लंबी टांगे हैं, वैसे इनकी शेप है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, तो कह सकते हैं ये मिनी शितर मुर्गे हैं। और लेकिन ये है किसी और बर्ड के परिंदे, किसी ने पकड़े थे और उन्होंने कहा कि आप इन्हें ले जाएं और इन्हें फीड करवाएं। कोशिश कर रहे हैं हम, इन्हें फीड करवा रहे हैं, अल्लाह करेगा ये हो जाएंगे सेट और ये सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जैसे चाहेगा। हाँ जी, क्या इन गुस्सा आंदा पे? हाँ इन गुस्सा आंदा पे, कहता है एक कहते ने सू पकड़ा क्यों है ना, इन गुस्सा आंदा पे, मज इससे सॉरी करो, को परिंदो सॉरी, सोलो नहीं सॉरी, चलो इसके अंदर, चलो भाई भाई चले जाओ ऊपर, चले जाओ, चलो साइड पे खिला रहा है भाई खुराक, हुदुद के बच्चों को फीड करवा रहा है। कितने हो गए? 2 खा गए, ये लास्ट है, 2 वर्ड्स को जो खुराक खिला चुका है, जो ये खुराक खा के बैठा है। अभी इसका जो दूसरा था बुला गया, इसे निकालना थोड़ा मुश्किल है, कटेगा कि मैं यार चलो चलो कि मैं कटेगा। तो जो हमारे जू कह सकते हैं, हम जू बनाने वाले हैं छोटा सा, माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, उसके सबसे प्यारे बर्ड यही हैं, आपको पता है ये दिलकश होते हैं छोटे छोटे। अभी ये तकरीबन 8 पेयर हो चुके हैं और 16 तोते, 16 बर्ड हैं। तो अब इसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, क्योंकि कल हम लेने गए थे तो कुछ उन्होंने बच्चे दिए थे, लेकिन कोई नहीं, ऐसा ऐसा ये भी बड़े हो जाएंगे और पेयर बन जाएगा और ये ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे थोड़े कैद हैं, इंशाल्लाह बड़े वाले जो केज हम दिखाया उसमें बना के इनकी सिस्टम जगह वहाँ पे हम इन्हें छोड़ने वाले हैं। इनकी खुराक हमने डाल दी थी और खाना भी शुरू कर दिया था इन्होंने, ये चावल नहीं खा रहे ना, चावल अभी नहीं खा रहे, ऐसा ऐसा खाएँगे। तो ये वाले जो बर्ड है ना, ये हैं तो क्यूट लेकिन थोड़े सुस्त हैं, क्योंकि मुझे लगता है कल शायद कल से उठाया गया ना, ये अपने वालदन से जुदा किए गए, तो अभी तक ये ज़्यादातर तो नहीं खा रहे, थोड़ा सा हमने इन्हें फीड करवाया है ठीक है से तो बेहतर हैं कुछ, लेकिन ये थोड़े सुस्त हैं। अभी जैसे ये सही फीड करेंगे ये चुस्त हो जाएंगे इंशाल्लाह। कान से मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ, इधर लाओ, दे दो मुझे, दे दो,
जो परिंदा उठा के लिया, जो परिंदा मर गया था। किधर? इधर इधर। हेलो इधर इधर आओ, इधर आओ। जो मर गया था वो उठाओ। हाँ वो उठा के लिया, उसे दफनाते हैं भाई। किधर है वो? इधर पड़ा है। ले आओ ले आओ इधर। ना इसे किस जगह दफनाना है? किस जगह? इधर इधर ले आओ, आ जाओ इस जगह दफनाते हैं। ठीक है चल रख, इसमें इसके अंदर रख दे। रख दिया चलो। हाँ जिते आप पूरा सी ना परिंदा दफनाया सी, उद उत्ते पानी पा दे क्योंकि वो जगह थोड़ी ठंडी हो जाएगी। ठीक है और फिर कुछ चीज़ पट्टेगी नहीं उतो। हाँ ऐद उत्ते ठहर ठहर, शाबाश। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, गुड हो गया। चल काफ़ी रख दो। ठीक है जो पोनी है ये बड़ा तंग करती है, हर वक्त रोती रहती है हर वक्त। इसे पता नहीं माँ की याद आती है, पता नहीं क्या मसला है। तो इसे दूध पिला दिया इसे? अभी इसने दूध भी पी लिया है लेकिन फिर भी रोए जा रही है क्योंकि ये ना थोड़ी दूर है ना अपने भाइयों से भी, बहनों से भी और माँ से, इसलिए थोड़ी कमज़ोर है। ऐसा ऐसा फीड करवाते रहेंगे, दूध पिलाते रहेंगे इसे और ये सेहतमंद हो जाएगी। इसे ना आज गोश्त खिला के खिलाते हैं, सही हो जाएगी। हाय कैटी पोनी आंखें दिखाओ, तेरी आंखें तो मेन है। आंखें दा तेरी मेन है, आंखें बड़ी प्यारी इसकी, हर वक्त रोती रहती है, हर वक्त रोती है। हाँ ये देखो वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा ऐसा फीड करवाते रहेंगे ना ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दोस्तों अभी छोटे परिंदों को फीड कराना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह करवा पाएंगे और अल्लाह के करम से ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल छोटे हैं तो इंजेक्शन से हम इन्हें फीड करवाते तो हैं लेकिन इतनी उस तरीके से नहीं जिस तरह ये खुद खाते हैं। वैसे ये परिंदे खुद खा लेते हैं ना, फिर खाना खा लेते हैं ऐसे ना, तो ये कैद हो के आ गए थे तो इसलिए मतलब किसी ने हमें ये गिफ्ट दिए हैं और गिफ्ट होते ही एक परिंदा जो हमें मिला था वो मतलब वो मरा हुआ था, हमने उसे दफना दिया है। अभी दो बाकी हैं, दोनों को फीड करवा रहे हैं, इंशाल्लाह ये बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो पोनिया है ये दूध पी के अभी यहाँ पे रो रही है थोड़ी थोड़ी। इसकी आंखें कितनी छोटी हो गई, दो में बैठी इसलिए हाय कितनी छोटी सी है ना। एक हो गई अभी दूसरा, इसे भी करवा दो। तो ये वाले पर बढ़ जाए ना, ये अभी फीड ने करवा दी हमने, ये बड़े सुकून से बैठे हैं। ये ना तो बोलते हैं और ना ही ज़िद करते हैं और ना भी खाना दें तो इतने तंग नहीं करते, लेकिन ये अभी तकरीबन ठीक ही बैठे हैं। फीड इनको मुकम्मल हो गया ना जी। इसके साथ एक और था तीसरा, वो उधर है। क्या फोत हो गया? नहीं यार वो अंदर चला गया, उसे निकालो निकालो, उसे भी फीड कराओ। ठीक है तो भाई क्या क्या पसंद आया? वो परिंदे पसंद आए हैं? ऐसे हुदहुद पसंद हैं? और पोनिया कैसी है? पोनिया सुपी भाई है। ओके किधर है? इधर आ वापस आओ। हो गया बाहर ना निकल जाए साहब, दोनों गया। तो हमारा एक जो बर्ड था हुदहुद का वो उड़ गया था, अभी भाईजान पकड़ के ले आए, शुक्र है वापस आ गया, अदरवाइज उड़ जाता था छुट्टी है ना। ये भाई पकड़ के लेके आए अभी, ये देखिए दिखाओ इधर। अच्छा आप उड़ गए थे, दे दो मुझे दे दो। अच्छा ये खुद बखुद नहीं उड़ते, इसे उड़ाया गया था, भाई ने उड़ाया था तो ये उड़ गया था, तो अभी वापस पकड़ के ले आया भाई। अब इसे काबू रखते हैं और चल के ना केज में बंद करते हैं। दूसरा है ना उधर साधु भाई, ये वाला उड़ गया था अभी वापस आ गया। हाँ जी वापस काबू करके ले चलो, उधर केज में बंद कर दो। ठीक है ले चलो शाबाश, केज में बंद करो और दूसरा भी निकाल लिया नीचे से, नहीं तो बिल्ली खा जाएगी। चलो गैस ये वाला जो सामान बिखरा हुआ है इससे मैंने जाली काट के उस जगह लगाई है, ये देखिए। इसमें हम पैरट रखने वाले हैं ना, तो यहाँ पे इस एरिया को हमने एक छोटा सा दरवाज़ा बना दिया जिससे हम इजीली खुराक इसे डाल देंगे, जैसा कि ये इस जगह खुराक डाल दी और हमें वो वाली बार बार दरवाज़ा जो खिड़की नहीं खोलनी पड़ेगी और इस जगह से ख़तरा नहीं होगा। खुराक डाल के और ये हम एरिया बंद कर देंगे, ये देखिए दस्ती मैंने बना दी ऐसे, ये बेहतर हो गया। अब इस जगह अगर हम ताला लगा देंगे तो बेहतर हो जाएगा। मैम कैसा बना? ठीक है अभी छटो,
तो दोस्तों हमने ये परिंदों के लिए अभी ये वाला जो घर था केज, इसे हम कह देंगे कि मास्टर केज लगा लें। इसमें वो ऑस्ट्रेलियन परिंदे रखने वाले हैं और उनके लिए सारा सेटअप बना दिया। देखिए ये सारी जगह बैठने के लिए नीचे सीढ़ियाँ बना दी और वो छोटे छोटे अभी बच्चे इसमें बैठे हैं। तो अभी रात को या शायद कल इसकी लिपाई कर देंगे और VIP इनका घर बन जाएगा और कल ये सारे परिंदे इनमें छोड़ देंगे। परले पास रख दे, कुछ नहीं कहते। हाँ जी इतने उन उतर चौक थले 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 में उतर चौक चल चौक और मैं चुकना तो रखी चल आ जा आ जा के अदवेज रख दे थले 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 इधर शाबाश ओके थैंक यू। दोस्तों इसके साथ एक जो पिंदा था तीसरा वो तो मर गया था, हमने दफना दिया था, लेकिन ये वाले दो जो है ना ये तकरीबन बेहतर हैं। अभी हम इन्हें फीड करवा रहे हैं, 3 से 4 दफ़ा करवा चुके हैं, अभी भी करवानी है। ये थोड़ा बेहोशी की हालत में है लेकिन उम्मीद है कि ये सही रहेगा इंशाल्लाह ऐसा ऐसा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। और पिंदों को हमने छांव में रखा हुआ था, अभी बाहर निकाल दिया है। खुद को फीड करवाना अभी बाकी है, भाईजान आते हैं वो फीड करवाएंगे, क्योंकि उन्हें फीड जो छोटा भाई करवाता है और इनकी तो दिक्कत ही नहीं है। इन्हें हमने अब आज जो जो चीज़ चाहिए थी हमने इसे पुदीना और पालक खीरा और सब इसकी खुराक भी दी। जी जी हाँ इंदा घर, इसका घर बन गया अभी, तो इन्हें कल तकरीबन या परसों तक इन्हें शिफ्ट कर लेंगे, अभी लिपाई बाकी है। हाँ इनका भी घर इकट्ठे कर छोड़ेंगे, ठीक है उनका भी घर, ठीक है ओके गुड। मुझे लगा कि पोनिया अभी जान दे गई है लेकिन सो रही थी, मैंने समझा ये मर गई है, तो मैंने नज़दीक आके सांसें चेक की, वो भी नहीं ले रही थी, मैंने सोचा शायद मर गई है, लेकिन ये ठीक है अभी अभी मैं बोला हूँ तो जाग उठी है। अभी कम बोलती है क्योंकि खाना अब इसने दूध पीना शुरू कर दिया है, पहले दूध नहीं पीती थी हम टीके से पिलाते थे इसे, अब ठीक है माशाल्लाह। की चीज हाँ जी उन्हें कबूतर खाता से। सो पिछले दिनों में हमने एक कबूतर भी रखा हुआ था और एक बिल्ली आई बाहर से वो कबूतर को उठा के ले गई, उसने बड़ा लॉस कर दिया। पीछे तो भागे थे हम मतलब छीनने के लिए लेकिन नहीं मिला, वो लेके चली गई और उसने खा लिया था। उसके बाद वो बिल्ली वापस घर में नहीं, उसे पता था कि हम मारेंगे, फिर हमने उससे कुछ नहीं कहा था। अभी दोबारा से कबूतर अच्छे वाले भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। अभी साथ भी यही बता रहा था कि फाजल की बिल्ली थी, उसने कबूतर जो खाया था वही। दोस्तों हमारे 5 परिंदे और आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं लेके आया हूँ। तो इसमें जो हुदूद हैं इस पिंजरे से निकाल के उसमें डाल देते हैं और ये वाले परिंदे अलग रखते हैं उनसे। वो देखिए ये वाले जो सारे परिंदे हैं, ये वाले सारे जो परिंदे हैं ना ये ज़्यादा हैं इसमें, और इसीलिए इन परिंदों को उनके साथ हमने रखने वाले। दोस्तों मैं साथ में लेके आया हूँ ये वाले सिट्टे जो कि इन्हें बड़े पसंद हैं, 3-4 हैं वहाँ से किसी दोस्त से लिए हैं, और ये भी इन्हें डालेंगे और ये भी खाएंगे। ये जो पोनिया है वो सो रही है, अरे जाग, ये सो रही है अभी। इसे दूध पिलाया था, दूध इसने पिया था। हमने परिंदों को खुराक तो दी थी लेकिन परिंदे बंद कर दिए, बड़े ज़ोरों से बारिश आ गई थी, पहले आंधी आई है फिर बारिश, और बारिश में ओले आ रहे हैं, ओले कहते हैं ना गड़े या ओले जो भी है, वो पड़े हैं। वो देखो वो सामने कितना बड़ा बड़ा है, मतलब बड़ा माज गिर जाओगे इधर आ जाओ दिखाओ, ये देखो जाओ उठा लो माज भेजा आएगा, जल्दी आया बस जल्दी आया ओके आजा। सो काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है, देखिए सारा घर भीग गया है। और इस तरफ हमारे शेख साहब जो हैं ये हमारे साथ जाने वाले थे पिंजरा लेने के लिए, तो भाईजान के पास एक पिंजरा है तो हमने उनसे डील किया, उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाए। जैसे हम निकलने वाले थे तो रास्ते में बारिश आ गई, हम वापस लौट आए हैं, जैसे बारिश रुकेगी और फिर जाके पिंजरा ले आएंगे, सारे जो बर्ड्स हैं वो सारे पिंजरे के अंदर आ जाएंगे। हाँ जी तू भी जा रहा है? नहीं बड़ा रास्ते बारिश आ रही है तो तंग होगा, चल सॉरी ओके। और बारिश बहुत ज़्यादा आ गई थी जिसकी वजह से इसे तो पानी लग गया है, लेकिन परिंदे अभी के अभी अंदर हैं। और अभी हम जा रहे हैं हबीलखा में, वहाँ पे मेरे एक भाई हैं अभी प्रादनला, उसके जो वो बीमार हैं तो वो दाखिल हैं हॉस्पिटल में, तो उनकी बीमारदारी के लिए जा रहे हैं, शायद हमें रात वहाँ पे रुकना पड़े। तो अभी जो बच्चों को फीड भाई ने करवा दी है और करवा के फ़ौरन ही वापस रख दिया है, तो शाम को ये फीड करवा देंगे और बकिया परिंदे भी बंद कर दिए। अभी पिंजरा आने वाला है इनके लिए बहुत बड़ा, हमने ख़रीदा है किसी घर में लगा हुआ था, उसने तोते सारे वगैरह परिंदे वगैरह सारे बेच दिए और हम लेके आने वाले हैं, वो इंशाल्लाह कल लेके आएंगे। तो फिलहाल अभी निकलते हैं, सफ़र करते हैं विलखा का और भाई की तीमारदारी करते हैं चल के इंशाल्लाह। परिंदों को बाहर निकालो ठीक है,
बाहर ठंडी हवा है अब इस वक्त। तो गाइज अभी हम जा रहे थे विलखा, तो थोड़ी देर बाकी थी, तैयारी हो रही थी बच्चों की, तो मैंने सोचा कि ये वाले परिंदे जो हैं बाहर निकाल कर रख देते हैं कुछ देर के लिए। हाँ जी, हो गया किस चीज़ है। तो दोस्तों फाइनल हम हॉस्पिटल से चौहाई को हम पूछ के आ गए हैं घर में, और घर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कोई बारिश नहीं आई, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा थी लेकिन इस जगह कोई बारिश वगैरह नहीं आई। तो अभी पहुँचे हैं और खाना वगैरह हमने खा लिया है, और अभी करेंगे वीडियो की एडिटिंग और अपलोड भी लगाएंगे और इंशाल्लाह सो जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।